इस राष्ट्रीय महापर्व पर जो इस देश के अगले 5 सालों के लिए जो भाग्य का निर्णय होने वाला है उसे मैंने अपने मत का आज प्रयोग किया है। वास्तव में ये मत देना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और उस दायित्व का निर्वहन करते हुए राष्ट्र हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए देश को एक मजबूत नेतृत्व मिले, विश्व के अंदर देश का परचम फहरे और साथ में अजमेर में एक जो धनबल और जनबल का संघर्ष है उसमें जनबल जीते, वो दृष्टि से हमारे जन के साथ जुड़े हुए भागीरथ जी चौधरी और दूसरी ओर धन के आधार पर भीलवाड़ा से आए और विदेश में घूमने वाले रिजु झुंझुनवाला है, उनके बीच का ये संघर्ष है उसे निश्चित रूप से आम जन इस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो सेवक हैं उनके लिए उत्साहित है। और मेरे को प्रसन्नता है कि आज अजमेर उत्तर के कुछ बूथों से जो जानकारी मिली है सवेरे 7 बजे से ही लंबी लाइनें लगने लगी हैं। यह एक लोकतंत्र के लिए और हमारे लिए उत्साहजनक बात है कि सवेरे सवेरे आज तक मैंने जो लंबी लाइन नहीं देखी, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे पुरुषों की हो, चाहे युवकों की हो, यह दर्शाता है कि हम सब लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार देश में वापस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखें।